अपने घर का वो चमकता सितारा किसी और के आंगन का बसेरा हो गया। करता था जो हर रात बात सितारों से, एक रात सितारों में कहीं खो गया, एक रात सितारों में कहीं खो गया। सुशांत सर, सबसे पहले आज आपके प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आपको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे, अगर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। हाल तो ठीक नहीं है, लेकिन आज मुझे आपसे कुछ कहना है, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप कहीं ना कहीं मुझे जरूर सुन रहे होंगे उन सितारों के बीच में बैठकर, जहां भी खुद को मजबूर महसूस कर रहे होंगे जैसा कि हम कर रहे हैं। सुशांत सर, औरों का पता नहीं, लेकिन आप हम जैसे कई कलाकारों के लिए एक उम्मीद थे, हर उन लोअर मिडिल क्लास के कलाकारों की आंखों में पलने वाला सपना थे आप, जिन्हें लगता था कि मेहनत और ईमानदारी से अगर वो काम करेंगे तो वो भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिस मुकाम को आपने हासिल किया। आप हमारे लिए वो हिम्मत थे जिसने हमें ये हिम्मत दी कि मैं नौकरी छोड़कर अपने सपनों की ओर भाग सकूं, अपने सपनों की उड़ान को उड़ सकूं, अपने हालात से लड़कर किस्मत को हरा सकूं और अपनी मंजिल पा सकूं। आप हमारे लिए वो सीख थे जिसने मुझे ये सीख दी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस जीवन से जो कुछ भी मिला हो उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ूं, लक्ष्य को साधूं और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेहनत करो, फिर सफलता भी मिलेगी और शोहरत। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी खबर आती है जिसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया, और यकीन मानिए, आंखों से देखी उस तस्वीर पर दिल यकीन करने को राजी न था कि जिसने हमें जीना सिखाया वो खुद जिंदगी से जंग हार गया था। पहले दिल टूटा, फिर ख्वाब टूटे, फिर टूटी उम्मीद, सामान समेटा घर लौटे और फिर छोड़ दी माया नगरी की जिद, फिर छोड़ दी मैंने भी माया नगरी की जिद। हमने भी माया नगरी को छोड़ दिया था और लौट आए थे अपने घर बिहार, क्योंकि हमें लगा कि जिसके पास वो सब कुछ था जिसका हमें ख्वाब था, जब वो अपने जीवन में इतना तन्हा था कि इन भेड़ियों के बीच में रहते हुए इन भेड़ियों की भीड़ से खुद को न बचा सका, तो ऐसे माया नगरी के जंगल में मेरा क्या काम। हम घर लौट आए और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने लगे, एक लड़ाई शुरू कर दी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये लड़ाई केवल आपकी नहीं हमारे भी है, क्योंकि कत्ल तो हमारे सपनों का भी हुआ था। हम हर तरह से आपके इंसाफ के लिए लड़े जाने वाले लड़ाई का हिस्सा बन चुके थे, तख्तियां लिखी, ट्विटर ट्रेंड किया, वीडियोस बनाए, पोस्ट लिखे, समाचारों पर बोले, सड़कों पर उतरे, क्योंकि हमें ये उम्मीद थी कि ये सब करके आपको इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि सारा देश आपके समर्थन में बातें कर रहा था, लेकिन अफसोस कि सिर्फ बातें कर रहा था। और फिर हमें समझ में आया कि जो नेता आपके लिए आवाज उठा रहे थे चुनाव में, उनकी पार्टी जीत चुकी थी, जो मीडिया आपके लिए चिल्ला रही थी उसका चैनल नंबर वन बन गया था, जो लोग आपके हितैषी बने बैठे थे वो नेता बन चुके थे, और कुछ हम जैसे लोग जो आप पर वीडियो बना रहे थे आप उनके लिए व्यूज से ज्यादा कुछ नहीं थे। वक्त बीतते ही बहुत से लोग बदल गए, पर हम जैसे आपके करोड़ों फैंस नहीं, आज भी हम उसी ताकत से उन सभी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने में लगे हुए हैं जिनकी वजह से आज आप हमारे बीच में नहीं हैं। आज आप हमारे दिलों के साथ साथ ट्विटर ट्रेंड में भी रहते हैं, जहां इस बार आपके फिल्मों के लिए नहीं बल्कि आपके इंसाफ के लिए आवाज उठाया जाता है। वैसे ये लड़ाई चलती रहेगी, बस निवेदन आप सभी से ये है कि साथ न छोड़िएगा, हाथ न छोड़िएगा, हमारा भी और उन तमाम फनकारों का भी जो सुशांत सर जैसा बनना चाहते थे या बनने की कोशिश में,
उनकी पीठ थपथपाते रहिए, उनकी पीठ पर अपना हाथ रखे रहिए, क्योंकि क्या पता कल कांधों पर रखना पड़ जाए। तो चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये याद रखा जाए कि हमारी ये लड़ाई उन हुक्मरानों से है जिन्होंने सिनेमा को अपनी जागीर समझ लिया है और जो अपनी मनमानी करते रहते हैं। उन्हें ये बताना होगा कि हमारी उम्मीद टूटी है, खत्म नहीं हुई है, और हम बिहारी हैं गुरु, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारे हिस्से में इंसाफ फाजिल होगा, गुनहगारों से लड़कर ये हासिल होगा। हमारे हिस्से में इंसाफ फाजिल होगा, गुनहगारों से लड़के ये हासिल होगा। होगा ना भेद किसी से, न चलेगा हकूक खानदानी, बनेगा राजा सिर्फ वही जो काबिल होगा, बनेगा राजा सिर्फ वही जो काबिल होगा। धन्यवाद।